ओके, सो हम ग्रेडियंट डिसेंट की वेरिएशंस कर रहे थे। वी नो के ग्रेडियंट डिसेंट के कुछ प्रॉब्लम्स थे, और हमने मेथड्स किए थे ऐसे ग्रेडियंट डिसेंट की, ऐसी इम्प्रूवमेंट्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव पे बेस्ड हों, ऐसी इम्प्रूवमेंट्स जो सेकंड डेरिवेटिव पे बेस्ड हों, और फिर हमने मोमेंटम किया था जो कि असल में फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही बेस्ड होता है। ग्रेडियंट डिसेंट में एक बहुत बड़ा इशू था स्टेप साइज डिटरमिन करना कि बेस्ट स्टेप साइज क्या होगा। उसके बाद हमने देखा था कि हर डायरेक्शन में, यानी अगर हायर डिमेंशंस की प्रॉब्लम है, कई पैरामीटर्स हैं आपके, तो पैरामीटर डब्ल्यू आई के हिसाब से अगर फंक्शन तेजी से चेंज हो रहा है और पैरामीटर डब्ल्यू जे के हिसाब से फंक्शन अगर आराम से चेंज हो रहा है, तो सेम स्टेप साइज बोथ डायरेक्शंस में विल नॉट बी द ऑप्टिमल वे टू गो। सबसे अच्छा ये होगा कि हर डायरेक्शन का अपना स्टेप साइज हो, ताकि उसके हिसाब, यानी अगर सेम रखेंगे तो ओवरशूटिंग होगी किसी एक डायरेक्शन में और स्लो कन्वर्जेंस हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में। तो हमने रेजिलिएंट प्रोपगेशन देख लिया था। रेजिलिएंट प्रोपगेशन में बेसिकली आप सिर्फ स्टेप साइज को चेंज करते हैं। अगर ऑसिलेशन हो गई है तो आप स्टेप साइज छोटा करने लग जाते हैं, बेटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेस देन वन, और अगर ऑसिलेशन नहीं हो रही, यानी ग्रेडियंट्स का साइन सेम रह रहा है, तो फिर आप स्टेप साइज को बड़ा कर देते हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं जहां अल्फा ग्रेटर देन वन है। ये था रेजिलिएंट प्रोपगेशन। फिर हमने टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन, न्यूटन्स मेथड, और फिर न्यूटन्स मेथड जो कि फंक्शन की किसी भी जगह पे क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन लेके उन क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन को मिनिमाइज करता है, और फिर उस मिनिमाइज जगह पे एक नई क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करता है, फिर उसको मिनिमाइज करता है, फिर उस नई जगह पे एक और क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करता है, उसको मिनिमाइज करता है, और इस तरीके से होप इज कि आप एक्चुअल फंक्शन जो ब्लू कर्व है उसके किसी लोकल मिनिमम पे पहुंच जाएंगे। बट ये सारे का सारा काम बजाय फंक्शन को मिनिमाइज करने के, आप फंक्शन की लोकल क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के थ्रू करते हैं उनको मिनिमाइज करके। सो मिनिमाइजेशन इज ऑलवेज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन विच इज ईजी। और हमने देखा था कि न्यूटन्स मेथड की जो एक शक्ल है वो क्विक प्रोपगेशन थी न्यूरल नेटवर्क्स में। क्विक प्रॉप यही करता था कि हर डायरेक्शन, यानी हर डब्ल्यू आई को अलग-अलग मिनिमाइज करता था, और हर डायरेक्शन में बजाय ग्रेडियंट डिसेंट करने के वो न्यूटन्स अपडेट करता था, और न्यूटन्स अपडेट जो है वो सिर्फ ईटा की जगह सेकंड डेरिवेटिव का इन्वर्स ले आते हैं। दैट्स द ओनली चेंज। न्यूटन्स अपडेट का मतलब है कि आप ग्रेडियंट डिसेंट वाला स्टेप कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग रेट ईटा की बजाय आप जो क्वाड्रेटिक फंक्शन को मिनिमाइज करने वाला ऑप्टिमल स्टेप होता है विच इज रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, आप वो ले आते हैं, और तो वो वहां भी यूज हो रहा होता है। और असल में तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन वो सेकंड डेरिवेटिव भी असल में एनालिटिकली कंप्यूट नहीं हो रहा होता, वो सेकंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट डिफरेंस के मेथड से आप कंप्यूट करते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो आप फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं इस टाइम स्टेप पे, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास पिछले टाइम स्टेप पे मौजूद होता है पहले से, और उनका रेट ऑफ चेंज उनके थ्रू मालूम कर लेते हैं, एंड दैट गिव्स यू द सेकंड डेरिवेटिव की अप्रोक्सीमेशन। सो इवन दो क्विक प्रॉप इज अ सेकंड ऑर्डर मेथड, बट इट नेवर एक्चुअली कंप्यूट्स द एनालिटिकल सेकंड डेरिवेटिव। एनालिटिकली सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ही कंप्यूट होते हैं, उनकी बेस पे सेकंड डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट हो जाता है, तो देयरफॉर द मेथड इज फास्ट, और इसकी कन्वर्जेंस भी काफी तेज है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी होती है उन जगहों पे जहां पे लॉस फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं रहता, जहां पे नॉन कॉन्वेक्स फॉर एग्जांपल हो गया, और इसकी इस इनस्टेबिलिटी की वजह यह है कि सिर्फ कॉन्वेक्स जगहों पे ही तो
न्यूटन अप्रोक्सीमेशन अच्छी थी। न्यूटन अप्रोक्सीमेशन तो एक क्वाड्रेटिक होती है, वो कॉन्वेक्स होती है, वो कॉन्वेक्स जगहों पे अच्छी होगी, वो नॉन कॉन्वेक्स जगहों पे सूटेबल ही नहीं है। आप लोगों के कोई सवाल सो फार? अगेन मैं आपकी चैट नहीं देख सकता, आपको बोलना पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस? नो सर, नो क्वेश्चन। चलें ठीक है। Okay, so continuing, अच्छा फिर हमने देखा था मोमेंटम अपडेट्स। मोमेंटम का मेथड, मोमेंटम का मेथड सिर्फ ये कहता है कि अगर तो आपका मोमेंटम का मेथड ये कहता है कि अगर आप का जो डेरिवेटिव है उसका साइन अगर चेंज नहीं हो रहा, यानी अगर आप ऑसिलेट नहीं कर रहे, अगर आप ओवरशूटिंग नहीं कर रहे, तो फिर अभी आप मिनिमम से दूर हैं और आपका स्टेप साइज छोटा है। सो आप ऐसा करें, अपना स्टेप साइज बढ़ाते रहें, और अब बढ़ाने के बाद भी अगर आप ओवरशूटिंग नहीं कर रहे तो और बढ़ाते, अभी भी ओवरशूटिंग नहीं कर रहे तो और बढ़ाते, यानी आपका मोमेंटम बिल्ड होता जा रहा है एज लॉन्ग एज यू नॉट ओवरशूटिंग। लेकिन अगर आपने ओवरशूट कर दिया है तो इसका मतलब आप स्टेप साइज बहुत बड़ा हो गया था, इसको छोटा कर दें। ठीक है, ये सारा आइडिया मोमेंटम के पीछे कि बिल्ड मोमेंटम एज लॉन्ग एज यू नॉट ओवरशूटिंग, बिल्ड मोमेंटम, इंक्रीज योर स्टेप साइज, बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए। जैसे ओवरशूट कर लेंगे तो अपना मोमेंटम सारा खत्म कर दें, स्टेप साइज छोटा कर दें। ओवरऑल बस ये आइडिया है इसका। ये था मोमेंटम, और हमने नेस्टरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट भी किया था, जो कि वही मोमेंटम वाला स्टेप है, उसमें बस हल्का सा टेक्निकल एक चेंज है। अब आज के और हमने एक्चुअली देखा था कि मोमेंटम का आइडिया क्यों चलता है। मोमेंटम का आइडिया, मोमेंटम के अंदर असल में हमने देखा था कि मोमेंटम में हम एक रनिंग एवरेज कंप्यूट करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट के जो स्टेप होता है उसकी रनिंग एवरेज कंप्यूट करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट का स्टेप मैं आपको बता दूं, स्टेप इसको कहते थे लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट, ये पूरी चीज स्टेप होती थी जिसको हम ये कहते थे डेल्टा डब्ल्यू। सो मोमेंटम इक्वेशंस में व्हाट वी सॉ वाज के आप इस ग्रेडियंट डिसेंट के स्टेप की एक रनिंग एवरेज रखते थे, और अगर ग्रेडियंट एक ही डायरेक्शन में चली जा रहा है चली जा रहा है चली जा रहा है, तो ये रनिंग एवरेज जो इसकी है, ये रनिंग एवरेज बड़ी होती जाएगी, जो कि इस फिगर के साथ था कि अगर एक ही डायरेक्शन में ग्रेडियंट चली जा रहे हैं तो फिर इनकी रनिंग एवरेज जो है वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ऑसिलेशंस हो रही थी, यानी आपका लॉस फंक्शन किसी डब्ल्यू आई के हिसाब से बड़ी क्विकली चेंज हो रहा था, तो फिर आपके ऑसिलेशंस हो रही होंगी, और अगर ऑसिलेशंस हो रही हैं तो हो सकता है थोड़ी देर, मतलब वो रनिंग एवरेज जब चलती है तो रनिंग एवरेज इस टाइम पे बड़ी हो गई, लेकिन इसने रनिंग एवरेज को फिर से छोटा कर देना तीसरे वाले ने, फिर अगली जंप होगी ये फिर रनिंग एवरेज को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और अगले वाली फिर उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगी,
लेकिन फिर से ऑसिलेशन हो गई तो रनिंग एवरेज फिर से छोटी हो जाएगी। पॉइंट इज कि ये अगर ग्रेडियंट बार बार ड्रिफ्ट बार बार अपना साइन चेंज कर रहा है, अगर ऑसिलेशन हो रही है तो इसका मोमेंटम बनेगा ही नहीं, इसकी रनिंग एवरेज छोटी रहेगी, एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे। और अगर रनिंग एवरेज छोटी है इसका मतलब स्टेप साइज छोटे हैं, जो कि होने चाहिए थे, स्टेप साइज छोटे हो जाने चाहिए अगर ऑसिलेशन हो रही है। सो दैट्स व्हाई मोमेंटम वर्क्स, बिल्कुल अडेप्टिव ये होता है, डायनामिकली चेंज करता रहता है। ओके अब आते हैं हम समथिंग नेक्स्ट रो मोमेंटम में क्वेश्चन है। जी बताएं, मैं शायद इतना अच्छा आंसर ना कर सकूं, पर बताएं सर। प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा, इससे प्रीवियस। ओके सर, इसमें पहले हमने वेट को अपडेट कर लिया है, इस वाली की बात कर रहे हैं? नहीं, यही। इसमें हमने पहले वेट को अपडेट कर लिया है और फिर उस पे ग्रेडिएंट फाइंड आउट किया है। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही आपने बोला है। तो सर इसमें हमें पहले हमने एक दफा मतलब अपडेट करते हुए भी हमें फॉरवर्ड और बैक प्रोब करना पड़ेगा। फॉरवर्ड और बैक, क्योंकि वेट अपडेट करके हमने ग्रेडिएंट फाइंड आउट करना है। ओके, ये जो डेल्टा है ना, ये आपके पास मौजूद है। जी सर, ठीक है, ये मौजूद है, यानी जो भी आपकी इटरेशन चल रही थी पिछली दफा आपने जो भी स्टेप साइज लिया था वो ये था। जी सर, तो ये तो पिछली बैक प्रोपगेशन से कंप्यूट हो चुका है। जी सर, हो चुका है, और मैंने उसी को यूज किया है, उसको बीटा से मल्टीप्लाई किया है। और उसे मैंने जो करंट वेट है उसमें ऐड करके करंट वेट में ऐड कर दिया, W ऐड फाइंड आउट कर लिया। अब ये कोई नया वेट है, ये कोई नई नया पॉइंट है इन द एरर सरफेस, ठीक है? जी सर, बिल्कुल। अब इस नए पॉइंट पे मैंने ग्रेडिएंट फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट। सो अब बैक प्रोपगेशन होगी। सर बैक प्रोप मुझे करना पड़ेगा। तो लेकिन बैक प्रोप आपको वैसे पिछले मेथड में बैक प्रोप करना तो पड़ता था करंट W पे। मैं बस करंट W पे नहीं करता, मैं उस पर एक और जंप लगा देता हूँ पहले ही, और मैं एक नए से W पे करता हूँ, W हैट पे। ठीक है सर, लेकिन एक ही एक दफा ही बैक प्रॉप होगी। ठीक है सर, ठीक है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। ओके, सो अगला जो मेथड है, देखिए ये जो हम सारा काम कर रहे हैं ना, ऑल ऑफ दिस इज बिल्डिंग टुवर्ड्स द फाइनल टॉपिक इन दिस लेक्चर, ठीक है? तो ये सारी चीजें आहिस्ता 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 कंबाइन होती जा रही है और एक फाइनल मेथड बनेगा। आरएमएस प्रॉप देख लेते हैं। आरएमएस प्रॉप मींस रूट मीन स्क्वेयर्ड प्रोपगेशन, ठीक है? आइडिया ये है, बिल्कुल पहले की तरह हर डायरेक्शन को अलग अलग डील करेंगे। डब्ल्यू आई की अलग अपडेट्स होंगी, डब्ल्यू जे की अलग होंगी। अब हम क्या करने लगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर कर देंगे। कोई मुझे बता सकता है, एनीवन, इवन द टीए, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या करता होगा? एनीवन? कुछ बता दें। नो वन? सर डब्ल्यू आई डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है वो जी उसकी मैग्नीट्यूड बता दे रहे हैं सर। उसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड,
स्केयर मैग्नेट। उसको स्क्वेयर मैग्नीट्यूड है, यानी वो ड्रिविटिव पॉजिटिव है या ड्रिविटिव नेगेटिव है, इससे कोई फर्क पड़ता है? नो सर, तो फिर ये क्या बता रहा है कि वो है कितना, राइट? जी। कि वो है कितना, नहीं वो ये नहीं बता रहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस उसका साइज कितना है, छोटा ड्रिविटिव है कि बड़ा ड्रिविटिव है, ठीक है? साइज बता रहा है, साइज कह देते हैं। ओके फाइन। और उस साइज के साथ अब वो कर क्या रहा है? अब ये नोटेशन थोड़ी हो सकता है मुश्किल लगे आपको, सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। मैं वी आई हैट एक वेरिएबल बना रहा हूं, वी आई बार एक वेरिएबल बना रहा हूं, जिसको मैं टाइम जीरो पे जीरो के साथ इनिशियलाइज कर रहा हूं। यानी शुरू में दिस वेरिएबल वी आई बार इज जस्ट जीरो, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट वी बार आई एट टाइम वन। इसका क्या आंसर होगा इक्वेशन के मुताबिक? वी आई वन का आंसर इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा? एनीवन? इसका आंसर होगा वन माइनस गैमा, वन माइनस गैमा और ड्रिविटिव स्क्वायर। क्या ये मैंने सही लिखा है? जी ना, तो पहली बार ये सिर्फ जो भी आपका ड्रिविटिव आया था उसका जो भी साइज था, यानी स्क्वेयर्ड मैग्नीट्यूड, स्क्वेयर्ड साइज कह रहे हैं, जो भी उसका साइज था उसको आपने बस कोई वन माइनस सिग्मा से मल्टीप्लाई किया था और वो सेट कर दिया था। लेकिन अगली बारी क्या होगा? आई एट टाइम टू ये क्या आएगा? ये आएगा गैमा टाइम्स जो भी उसकी पिछली वैल्यू थी, जो कि अभी हमने निकाली वी वन, प्लस फिर से वही वन माइनस गैमा टाइम्स जो भी स्क्वेयर ड्रिफ्टिव है, ठीक है? ये वाली चीज, ठीक है? यानी ये बिल्कुल पहले की तरह ये भी एक रनिंग एवरेज, ये रनिंग एवरेज कंप्यूट हो रही है। ये जो भी चीज है ये रनिंग एवरेज कंप्यूट हो रही है। डू यू गाइस अग्री या इस पे मसला है कोई? बताइए। नो सर, कोई मसला नहीं। किसने कहा ये? सर मोहसिन, मोहसिन, कैसे नहीं है मसला फिर? तो सर रनिंग एवरेज कंप्यूट हो रही है, इट्स ओके। हाउ डू वी नो इट्स अ रनिंग एवरेज? कि क्यों मान लिया हमने ये बात? क्योंकि प्रीवियस स्टेप को हम यूज कर रहे हैं जी तो हमारे पास आंसर आया है, और उसमें हम मजीद ये वन माइनस गैमा और डेरिवेटिव स्क्वायर ऐड करते जा रहे हैं। ये इसलिए रनिंग एवरेज है क्योंकि हमने ये साइज फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वेयर्ड मैग्नीट्यूड को हमने ऐड किया है। किस चीज में ऐड किया है? वो जिस चीज में ऐड किया है वो खुद स्क्वेयर्ड मैग्नीट्यूड्स का सम था। अच्छा यानी ये जो फर्स्ट टर्म है
दिस होल फर्स्ट टर्म ये जैसे कंप्यूट हुई होगी, ये कैसे कंप्यूट हुई थी? ये बहुत सारे पिछले फर्स्ट डेरिवेटिव्स जो थे उनको स्क्वेयर किया हुआ था और उनको गामा से या 1 माइनस गामा से इसका मल्टीप्लाई किया था। ये कई हुए थे, कई, ये फर्स्ट टर्म इस तरह की कई स्क्वेयर टर्म्स के सम से बन के आ रही है और आपने उसमें इस दफा वाला फिर से ऐड कर दिया है 1 माइनस गामा करके। सो यानी पॉइंट इज कि दिस इज अ वेटेड सम, दिस इज अ वेटेड सम ऑफ द डेरिवेटिव्स, स्क्वेयर्ड डेरिवेटिव्स, दिस इज अ वेटेड सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेरिवेटिव्स एट एवरी टाइम टाइम स्टेप। इसे तो रनिंग एवरेज कहते हैं। ये वही रनिंग एवरेज है और ये वही तरीका है रनिंग एवरेज का, जो अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं स्लाइड्स में, जो आपने मोमेंटम में यूज किया होगा, ये आपने मोमेंटम में भी यही काम किया होगा, क्योंकि ये जो चीज आप कह रहे हैं क्या ये स्टेप नहीं है? ठीक दिस इज अ स्टेप, और आपने इस वाले स्टेप को जो पिछली दफा के स्टेप्स आए थे उनके साथ ऐड कर दिया, तो भी रनिंग एवरेज थी, बल्कि हमने रनिंग एवरेज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था अभी तक। हाँ, यहाँ पे वी हैव एक्सप्लेन इट, सो आप पिछले लेक्चर को देखें तो वी हैव एक्सप्लेन दिस इन डिटेल कि ये रनिंग एवरेज है। लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज अ रनिंग एवरेज, पर अगर ये इक्वेशन टू कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो बस ये जुमला याद कर लेते हैं कि ये जो चीज है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ना इसको भूल जाए, इसकी यहां पे कोई जरूरत नहीं है, शायद मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं। ये जो टर्म है वी आई हैट एट टाइम टाउ, इसका स्क्वेयर रूट, इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज मैग्नीट्यूड, रनिंग एवरेज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। वी आई क्या था? स्क्वेयर मैग्नीट्यूड था, स्क्वेयर रूट कर दिया है तो हमने मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, स्क्वेयर रूट करने के बाद, और ये रनिंग एवरेज थी, इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव डब्ल्यू आई के लिए, ठीक है। अगर ये एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब है कि आपके डेरिवेटिव्स ऑसिलेट कर रहे थे, और अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव का एवरेज मैग्नीट्यूड छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये फ्लैट सा रीजन था। अगर फ्लैट रीजन में आप हैं तो स्टेप साइज इंक्रीज कर दें, अगर ऑसिलेटिंग वाले रीजन में आप हैं तो फिर स्टेप साइज छोटा कर दें, राइट? यानी ये पहले वाला केस ऐसा है कहीं और दूसरे वाला केस ऐसा है, ठीक है। इस केस में आपको इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए स्टेप साइज, और दूसरे केस में आपको इंक्रीज कर देना चाहिए स्टेप साइज। और लेकिन यहां से हमने देखा क्या है, यहां से मैं पता क्या लगा कि जब हाई वैल्यू होती है, जब हाई वैल्यू होती है एवरेज मैग्नीट्यूड की, वी की, स्क्वेयर रूट ऑफ वी की, जब हाई वैल्यू होती है तो आपने स्टेप साइज रिड्यूस करना होता है, और जब इसकी लो वैल्यू होती है तो आपको स्टेप साइज इंक्रीज कर देना चाहिए, विच मींस के स्टेप साइज में और वी में रेसिप्रोकल
इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, कैन एनी वन एक्सप्लेन दिस टू मी अगेन, ये जो रिलेशनशिप है। ठीक है, स्टेप साइज में और ये जो एवरेज मैग्नीट्यूड है फर्स्ट डेरिवेटिव का, इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर इनवर्स प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी के एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जी। और इधर हम देखें तो अगर हम डेरिवेटिव अगर हाई होता है तो इसका मतलब है कि हमें स्टेप साइज छोटा कर देना चाहिए। अगर एवरेज डेरिवेटिव हाई है, ओ सॉरी सर, द एवरेज डेरिवेटिव जो हमने एवरेज कंप्यूट की है आरएमएस शायद में नाम दिए इसे रूट मीन स्क्वायर, वो रूट ले लिया ना जी, तो इसका मतलब है कि हमें स्टेप साइज कम कर देना है। और अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब ये फ्लैट रीजन है तो हमें स्टेप साइज इंक्रीज कर देना चाहिए। तो काइंड ऑफ इनवर्सली रिलेशन इनवर्स रिलेशन बन गया। काइंड ऑफ है कि है, बल्कि है, हाँ है। और इनवर्स रिलेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वन ओवर फॉर्म में, वन ओवर, यानी इस वन ओवर को देख लें, वन ओवर वी, मैं इसको वी कह देता हूँ, वन ओवर वी जो है जब भी वी छोटा है तो वन ओवर वी बड़ा हो जाएगा जी सर, और उसे हम स्टेप साइज कह देंगे। यानी जब वी छोटा है तो स्टेप साइज बड़ा होगा, राइट right? अकॉर्डिंग टू ये जो भी रिलेशनशिप हमने लिखी है, जब v छोटा है तो स्टेप साइज बड़ा हो जाएगा, जब v बड़ा है तो स्टेप साइज छोटा हो जाएगा। यानी स्टेप साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस वन ओवर v से। और नोटिस कि अब ये नीचे मैंने लिखा क्या होगा, ये प्योरली ग्रेडियंट डिसेंट है, प्योरली ग्रेडियंट डिसेंट हो रहा है। न्यू वेट equals old weight minus learning rate eta into gradient। ठीक है, इसको ignore कर दें थोड़ी देर के लिए। अगर इसको ignore कर दें तो बाकी जो है is it not exactly gradient descent? New weight equals old weight minus step size into first derivative. Yes or no? ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने gradient descent के अब इसको वापस ले आते हैं कि मैंने ग्रेडियंट डिसेंट में जो आप स्टेप साइज यूज करते थे उसको मैंने एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव उससे डिवाइड कर दिया है, यानी वही रेसिप्रोकल वाली रिलेशनशिप। जब भी वी आई छोटा होगा तो ईटा ओवर वी आई बड़ा हो जाएगा, और जब स्टेप साइज बड़ा होगा तो ईटा ओवर वी आई छोटा हो जाएगा, यानी स्टेप साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम चाहते थे वो अचीव हो जाएगा। ये प्लस एप्सिलॉन क्यों है? प्लस एप्सिलॉन सिर्फ एक प्रैक्टिकल जरूरत है हमारी कि अगर ये टर्म जीरो निकल आई, अगर ये टर्म जीरो निकल आई, एक्चुअली जीरो हो गई या न्यूमेरिकली जीरो हो गई, ठीक है, तो फिर ईटा ओवर जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट, तो वी ऑलवेज ऐड अ वेरी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन। ठीक है, बहुत ही मे बी 10 टू द पावर माइनस 16 करते हैं, सम वेरी स्मॉल नंबर 10 टू द माइनस, यूजुअली एप्सिलॉन एक्चुअली होता है आपकी मशीन की
आपकी मशीन की जो भी प्रिसीजन होती है उसमें मशीन प्रिसीजन के हिसाब से जो भी स्मॉलेस्ट नॉन जीरो नंबर था, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन जीरो, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन जीरो, जो आपकी मशीन जिस कंप्यूटर पे भी आप काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट मशीन्स प्रिसीजन, जो स्मॉलेस्ट नंबर जो जीरो से बड़ा होगा जिसको वो जीरो नहीं कहेगा उसको हम एप्सिलॉन सेट कर सकते हैं। सो ओके पॉइंट इज इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर ताकि डिनोमिनेटर में जीरो ना आए और ईटा ओवर जीरो ना हमें करना पड़े, इसलिए एप्सिलॉन ऐड किया। तो दैट्स आरएमएस प्रॉप। और आरएमएस प्रॉप और आर प्रॉप नोट करें कि रेजिलिएंट प्रोपगेशन जो हमने सबसे पहले किया था ये भी सिर्फ स्टेप साइज को छेड़ता था, ये कहता था कि ईटा को या तो बढ़ा दें या ईटा को छोटा कर दें। बढ़ाना कब होता था? जब आप फ्लैट होते थे यानी आपका ड्रिफ्टिव ने साइन चेंज नहीं किया, और छोटा कब करना है? जब ड्रिफ्टिव ने साइन चेंज कर दिया, विच मीन्स कि आप किसी रैपिडली चेंजिंग रीजन पे हैं, ऑसिलेशन हो रही है, ड्रिफ्टिव ने साइन चेंज कर दिया। तो आरएमएस प्रॉप भी स्टेप साइज को छेड़ता था, सॉरी आर प्रॉप, रेजिलिएंट प्रोपगेशन। और आरएमएस प्रॉप जो भी हमने किया है ये भी वही काम करता है, ये भी स्टेप साइज को बजाय अल्फा और बीटा दो वैल्यूज की बजाय ये बस जो भी स्टेप साइज था उसको डिवाइड कर देता है एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, उसका जो भी करंट रनिंग एवरेज का जो भी एस्टिमेट है। और एंड दिस डज द सेम थिंग कि ऐसे रीजंस में दिस टर्म बिकम्स लार्ज, और ऐसे रीजन्स में दिस टर्म बिकम्स स्मॉल। सो इफेक्टिवली इफेक्टिवली वही हो रहा होता है। इस केस में हम इंक्रीज करते थे और इस केस में हम डिक्रीज कर देते थे, ठीक है। तो उधर पैरामीटर्स दो थे, हाइपर पैरामीटर्स अल्फा और बीटा दोनों सेट करते थे, इसमें अडेप्टिवली हो रहा है और देर इज नो हाइपर पैरामीटर हेयर आरएमएस प्रॉप में, यू डोंट हैव एनी, वेल नहीं हाइपर पैरामीटर है, वीआई की जो रनिंग एवरेज थी, वीआई की जो रनिंग एवरेज थी ये गैमा की बेस पे कंप्यूट होती थी पिछली स्लाइड पे, राइट, ये गैमा की बेस पे कंप्यूट होती थी, तो गैमा वाज द हाइपर पैरामीटर। सो ये जो मैंने आखिरी बात लिखी हुई है, फिक्स्ड मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा इन रेजिलिएंट प्रोपगेशन आर रिप्लेस्ड बाय एन अडैप्टिव फैक्टर, जो कि ट्रू इट्स अडैप्टिव, पर पूरी कहानी ये है कि एक हाइपर पैरामीटर अभी भी है और वो गैमा है। लेकिन लेकिन गैमा के बावजूद ये जो वी निकलता है ये फिर भी अडेप्टिव है, दिस डिपेंड्स ऑन द डेरिवेटिव्स के साइज, दिस इज अ मच मोर डायनामिक, दिस इज अ यानी आरएमएस प्रॉप इज मोर अडेप्टिव, ठीक है, अगर हम समराइज करना चाहें पूरी स्लाइड को, इज मोर अडेप्टिव। यहां तक कोई सवाल आप लोगों का, एनी क्वेश्चन? क्योंकि अब जो अगला टॉपिक है दैट इज द फाइनल टॉपिक इन दिस लेक्चर एटलीस्ट, इसमें सब कुछ कंबाइन हो जाएगा अगले टॉपिक में। सो अभी तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। सर लास्ट स्लाइड में अगर जी आप, जी सर, यहाँ पर जो एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको मैं लिंक नहीं कर पा रही कि वो एवरेज ऑसिलेटिंग, अगर हमारा स्टीप है लॉस फंक्शन, सो उस केस में हाई कैसे होगा, उसकी वैल्यू हाई कैसे होगी? सो लेट्स कंसिडर दिस केस,
स्टीप फंक्शन है, इस पे किसी भी पॉइंट पे आप आ जाए, ड्रिफ्टिव जो है वो ओके इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज है वो स्लोप यानी फंक्शन का फ्लैट है कि स्टीप है? ये फ्लैट है कि स्टीप है? इज़न्ट दिस स्टीप? स्टीप है राइट? स्टीप का मतलब है कि ड्रिफ्टिव काफी बड़ा है राइट? चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो पर ड्रिफ्टिव बड़ा है जी, चेंज हो रही है डायरेक्शन, वो तो बात की बात है पर ड्रिफ्टिव बड़ा है यहाँ पे जी, उसका साइज बड़ा है फाइन। और अगर ये ड्रिफ्टिव बड़ा है तो मैं ये जंप ले लूंगा इस तरह की और मैं ऑसिलेट कर लूंगा और क्योंकि यहां भी बड़ा ही होगा ठीक है, यहां भी बड़ा हो गया और मैं फिर से जंप ली, मैं फिर इधर आ गया फिर से तो हो ये रहा है कि जब इस तरह की सिचुएशन थी, जब ड्रिफ्टिव्स, जब क्विकली चेंजिंग फंक्शन था तो मेरी जो जंप्स लग रही थी ना वो सारी जंप्स बड़ी थी, या जंप्स नहीं मुझे कहना चाहिए मेरे जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स थे वो बड़े ही आई जा रहे थे, चाहे इस डायरेक्शन में हो या दूसरी डायरेक्शन में वो बड़ा ही होता है। तो इसलिए इसलिए चूंकि ये बड़े हैं इसका मतलब है, सॉरी मैं चूंकि ये फर्स्ट ड्रिफ्टिव्स बड़े हैं और ये ऑसिलेट करने लग गए हैं, क्योंकि ये बड़े हैं इसका मतलब है कि इनके स्क्वेयर्स भी बड़े होंगे राइट, ठीक है। इसका स्क्वेयर का ये साइज होगा और इसका जो स्क्वेयर होगा, मैं मुझे डायरेक्शन तो अब है कोई नहीं तो इसका स्क्वेयर भी बड़ा होगा ठीक है। और अगर मैं ये करी जा रहा हूं तो इनकी जो रनिंग एवरेज है वो रनिंग एवरेज भी बड़ी ही होगी ठीक। आई थिंक मैं इसको मोमेंटम वाले मेथड से कंफ्यूज करी क्योंकि वहां पर जब हम ऑसिलेटिंग होता है तो हम जंप साइज कम कर देते हैं, अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, अभी हमने किया ही नहीं ठीक, सो अभी हम रुक गए, हमने सिर्फ मेजर किया है कि ऑन एवरेज ग्रेडियंट्स का की क्या सिचुएशन है, ग्रेडियंट्स क्या बड़े रह रहे हैं। तो इस केस में हाँ ग्रेडियंट्स बड़े रह रहे हैं, जब ग्रेडियंट्स अगर ऑन एवरेज बड़े रह रहे हैं बार बार बड़े ही रह रहे हैं इसका मतलब है कि ऑसिलेशन हो रही थी ठीक है। ये स्क्वेयर्ड वालों का था और फिर हमने इसके बाद जाके इसकी इसका स्क्वेयर रूट ले लिया था अच्छा इसमें एक सवाल ये है कि क्या इस और दूसरा केस देख लेते हैं, इस तरह के फंक्शन फ्लैट सा है इसके अंदर क्या होगा कि सॉरी इसके अंदर ड्रिफ्टिव अगर मैं यहां पे देखूं तो फंक्शन इसका स्लोप है पर स्लोप इतना स्टीप नहीं है जिसका मतलब ड्रिफ्टिव छोटा है ठीक है, और अगर मैं आगे चलता जा रहा हूं जंप लेके आगे फिर और छोटा हो गया स्लोप और कम हो गई है फिर और कम हो गई स्लोप फिर और कम हो गई स्लोप, ये हर जगह पे जो स्लोप है और फ्लैट होता जा रहा है ना फ्लैट होता जा रहा है, तो इस तरह के रीजन में जो रनिंग एवरेज है वो रनिंग एवरेज बहुत बड़ी नहीं होगी, वो तो छोटी होती जाएगी और राइट। सो इसलिए सिर्फ इस पहले वाले केस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है किसी को कि क्या इसमें मुमकिन नहीं है कि मैं ऑसिलेट ना करूं कि मेरा ग्रेडियंट बड़ा भी हो और ऑसिलेट ना करूं, क्या ये पॉसिबल है? मेरा सवाल आप लोग समझ रहे हैं कि क्या इस सिचुएशन में इज इट पॉसिबल कि मेरा ग्रेडियंट जो है
वो बड़ा ही रहे, मेरे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइज बड़ा रहे और मैं ऑसिलेट ना करूं, सर अगर हम स्टेप साइज को छोटा कर स्टेप साइज तो है ही कोई नहीं, मैं तो सिर्फ अभी कह रहा हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, हाँ अगर तो छोटा कर दें तब होगा, लेकिन लेकिन मेरे जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं, मेरे जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं वो तो बड़े ही रहेंगे इस केस में, इस सिचुएशन में मेरे फर्स्ट डेरिवेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे, इसलिए उनकी रनिंग एवरेज भी बड़ी ही रहती है। ओके, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चंस? डन। जी सर, नो ओके, अच्छा अब हम चलते हैं। हमने जो एक चीज सीख ली, हमने दो कुछ चीजें देखी हैं। हमने देखा है कि डीकपल कर लें तो बेहतर होता है, ठीक है, हर डब्ल्यू आई को अलहदा ही कर लें, आसान हो जाता है। फिर हमने देखा है कि हर एक का अपना स्टेप साइज हो जाए तो भी अच्छा है, राइट। फिर हमने देखा कि स्टेप साइजेस को अडेप्टिवली, ये जो स्टेप साइज है इसको या तो बढ़ा दें अगर आप फ्लैट रीजन में थे, या इसको या नीचे ले जाएं अगर आप ऑसिलेट कर रहे थे, ठीक है। और इसके कुछ एक आर प्रॉप का तरीका देखा था जो अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करके बढ़ाता या कम करता था, और क्विक प्रॉप का तरीका देखा था जो सेकंड डेरिवेटिव से डिवाइड कर देता था, और फिर हमने आरएमएस प्रॉप देखा है, जो एवरेज मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन गोल यही है कि ईटा को, या जो भी स्टेप साइज है आपका इफेक्टिव स्टेप साइज, उसको या ऊपर ले जाना है या नीचे लेके जाना है, पर ये रनिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड करता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। एडम एडम जो एल्गोरिदम है, ये रिसेंट है, आई थिंक इसको इंट्रोड्यूस हुए 4 5 साल हुए होंगे। अभी बाय द वे ये पेपर की रेफरेंस मौजूद है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ पेपर्स होते हैं वो फील्ड में बड़े देर वेल रिटन एंड देर वेरी यूजफुल, और सब लोग उनको यूज कर रहे होते हैं, साइट कर रहे होते हैं, इसकी को पता नहीं 40,000 साइटेशंस हैं इन द लास्ट 5 ईयर्स, विच मींस कि एक तो पेपर, एक तो टेक्निक इफेक्टिव होगी, चलती है, दूसरी उसका फायदा ये कि ये पेपर अच्छा लिखा होगा तभी इतने लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसको साइट भी कर देते हैं अपने कामों में। तो ऐसे पेपर्स आप लोगों को पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपको फिर कुछ आइडिया हो जाता है कि अच्छा पेपर किसे कहते हैं, अच्छा लिखना किसे कहते हैं, व्हाट इज गुड साइंटिफिक राइटिंग, व्हाट इज गुड रिसर्च। एनीवेज, सो एडम जो एल्गोरिथम है, ये आरएमएस प्रॉप और मोमेंटम ये दोनों को कंबाइन कर लेता है। आरएमएस प्रॉप क्या करता है? आरएमएस प्रॉप का जो जो फाइनल इक्वेशन थी वो ये थी, डब्ल्यू आई न्यू न्यू मैंने पिछले साइड पर किसको कहा था, टाओ को। सो आरएमएस प्रॉप कहता है कि डब्ल्यू आई न्यू इक्वल्स डब्ल्यू आई
ओल्ड माइनस अडेप्टिव स्टेप, उस अडेप्टिव स्टेप में आप यहां पे रनिंग एवरेज लेते थे, रनिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड, और आगे तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट ही था, बस ग्रेडियंट फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे होता था। ये तो था आरएमएस प्रॉप। मोमेंटम क्या करता था? ये तो आरएमएस प्रॉप था। लेट्स रिविजिट मोमेंटम। मोमेंटम कहता था मोमेंटम का आइडिया ये था, मैं मोमेंटम का आइडिया यहां पे दोबारा लेके आता हूं। मोमेंटम का आइडिया ये था कि आप जो पिछली पिछला जो स्टेप था आपका, नॉट स्टेप साइज, पिछला जो स्टेप लिया है आपने पैरामीटर का, वो और उसको आप बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, और जो करंट स्टेप निकला है आपका, करंट स्टेप तो ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट का, लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव, ये जो करंट स्टेप निकला है इसको आप इन दोनों को ऐड कर दें, राइट। करंट स्टेप जो है उसको मैं माइनस ईटा इनटू डेरिवेटिव कह रहा हूं, यानी पिछला जो स्टेप था उसको बीटा से मल्टीप्लाई करें और करंट स्टेप में ऐड कर दें, एंड दिस बिकम्स योर न्यू स्टेप। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिसको भी आप न्यू स्टेप कह रहे हैं एट टाइम टाउ प्लस वन, चूंकि ये पिछले स्टेप से बना है, इसका और पिछला स्टेप जो है वो अपने पिछले से बना होगा, और वो उससे पिछला अपने पिछले से बना होगा, इट मींस के ये जो आपने स्टेप साइज रखा है, स्टेप रखा है यहां पे एट टाइम टी प्लस वन, दिस इज अ रनिंग एवरेज ऑफ ऑल द प्रीवियस स्टेप्स, क्योंकि ये वेटेड सम हो रहा है बीटा के साथ मल्टीप्लाई होके, राइट। सो मोमेंटम ये कहता है कि आप ये मोमेंटम अपडेट भी आप देख लें, न्यू वेट इक्वल्स ओल्ड वेट। अब ग्रेडियंट डिसेंट यहां पे क्या कहता था, न्यू वेट इक्वल्स ओल्ड वेट माइनस ईटा इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, पर किसको प्लस कर रहा है, इनी माइनस ईटा इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव्स की रनिंग एवरेज को। ठीक है, इसकी समरी ये निकली है मोमेंटम की, कि मोमेंटम न्यू वेट इक्वल्स ओल्ड वेट प्लस रनिंग एवरेज, या माइनस कह लें रनिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव्स होता है, रनिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव इस टाइम स्टेप पे जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको यूज करने की बजाय रनिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करता है, ये था मोमेंटम। ठीक है, और अगर हम वापस आए एडम पे, तो एडम यही कर रहा आरएमएस प्रॉप का, तो जो भी था एडम की जो इक्वेशन है जो अपडेट इक्वेशन है, एक्चुअली अपडेट इक्वेशन जरा बाद में आएगी, फिर से वही हो रहा है जो मोमेंटम में हो रहा था। एडम का एल्गोरिथम करंट डेरिवेटिव, यानी जो कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू आई एट टाइम टाउ, सही, जो भी आपका करंट डेरिवेटिव था,
मैं उसको जरा टाइम टाउ अभी नहीं दिख रहा, इट शुड बी अंडरस्टूड कि वो टाइम टाउ करंट टाइम का जुपिटर इसको नहीं यूज करेगा, ठीक है, इसको नहीं यूज करेगा, और वो इसकी रनिंग एवरेज को यूज करेगा। वो रनिंग एवरेज कंप्यूट कैसे होगी? वेल, रनिंग एवरेज ऐसे कंप्यूट होगी, जो भी आपके पास अभी आया है ड्रिफ्टिव उसको वन माइनस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें, और जो भी आपके पास पिछला एस्टिमेट था रनिंग एवरेज का उसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एक नया एस्टिमेट आ जाएगा। ये फिर से वही हो रहा है कि टाइम टाओ पे जो आंसर आ रहा है वो टाइम टाओ माइनस वन के आंसर्स में कुछ ऐड करके आ रहा है। सो बिकॉज ये पिछले सारे फर्स्ट ड्यूटिव्स का वेटेड सम है, इट्स अ रनिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट ड्यूटिव। So running average of first derivative. यानी जिसको भी आप एटम कहेंगे वो सारा ऐसे ही होगा जैसा आरएमएस प्रॉप है, सिर्फ यहां पे करंट फर्स्ट डेरिवेटिव की बजाय इसकी रनिंग एवरेज आ जाएगी, ठीक है। यानी Yep, that's exactly what will happen. यहां पे एम आई जो रनिंग एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे वो आ जाएगी। That's it. That's the only change. इस मेथड को एडम कहते हैं। Currently, this is the most popular flavor gradient descent का। अच्छा, अगली चीजें आप लोग देख लीजिएगा, वो जरा स्टेटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, इट्स इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं मैं इस पर वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। मैं कोशिश मेरी है कि मैं ये आपको ना कराऊं, ये आप खुद पढ़ लें, क्योंकि आई थिंक असल आइडिया मैंने बता दिया है। असल आइडिया मैंने बता दिया कि एडम जो है वो करता क्या है, न्यू वेट इक्वल्स ओल्ड वेट माइनस जो स्टेप साइज है वो अडेप्टिव हो रहा है बिल्कुल आरएमएस प्रॉप के तरीके से। ये वही अडेप्टिव स्टेप साइज है जो आरएमएस प्रॉप में था, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव का एवरेज मैग्नीट्यूड, फर्स्ट डेरिवेटिव का एवरेज मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड कर रहा है ईटा को। और इधर सो न्यू ओल्ड वेट, न्यू वेट इक्वल्स ओल्ड वेट माइनस अडेप्टिव स्टेप साइज इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव की बजाय मोमेंटम के मेथड की तरह आप फर्स्ट डेरिवेटिव का मोमेंटम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का मोमेंटम है ये, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव की रनिंग एवरेज है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एक ही डायरेक्शन में रह रहा है काफी देर से तो ये रनिंग एवरेज बड़ी होती जाएगी, मोमेंटम बनता जाएगा इसका। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑसिलेट कर रहा है तो ये रनिंग एवरेज छोटी होगी, इसका मोमेंटम टूटता जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द ओनली चेंज। पैरामीटर्स की कुछ एम्पिरिकली टेस्टेड अच्छी वैल्यूज होती हैं जो कि उन्होंने पेपर्स में लिख दी होती हैं। सो ईटा यूजली 10^-3 सेट कर दिया जाता है, डेल्टा ये रख देते हैं, गामा 0.999 हो जाता है, एप्सिलॉन तो खैर इट्स नॉट अ तो न्यूमेरिकल है, पर इसको अगर आपने हाइपर पैरामीटर कहना है well, technically है तो सही हाइपर पैरामीटर। ओके, पिछली बातें भी कर लेते हैं, मेन आइडिया आई थिंक हम समझ गए।
इस पे कोई सवाल, मेन आइडिया पे कोई सवाल बिफोर वी जंप इनटू ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला काम है? एनी क्वेश्चंस? Any questions? Are you seeing the forest through the trees? I mean, कहीं ऐसे आप घूम तो नहीं हो गए? M hat, V hat, momentum, average, running average, beta, delta, और आप असल story पीछे bigger picture क्या है? It's more important the bigger picture. Any questions? सर, पहले हमें सिर्फ एक हाइपर पैरामीटर सेट करना पड़ रहा था, अब इसमें चार हाइपर पैरामीटर आ गए हमारे पास। ये बात ठीक है। लेकिन उन हाइपर पैरामीटर्स की जो इसीलिए ये वैल्यूज दे दी गई हैं, क्योंकि ये हर एक को ये इतराज है कि कहां ग्रेडियंट डिसेंट में एक हाइपर पैरामीटर की बजाय आपने उठा के अब मुझे ईटा तो रहा, आपने मुझे साथ डेल्टा भी दे दिया, आपने मुझे गैमा भी दे दिया जो आरएमएस प्रॉप का गैमा था, डेल्टा आप इधर से ले आए हैं मोमेंटम वाला, और एप्सिलॉन जो इसमें था आरएमएस प्रॉप में। एक्चुअली लिख लेते हैं ये किस किस के हैं। ये आरएमएस प्रॉप वाला है, ये मोमेंटम वाला है, और ये तो था ही ग्रेडियंट डिसेंट वाला। तो आपने तीन एल्गोरिदम्स की हाइपर पैरामीटर्स उठा के तो चार बना दिए, लेकिन दीज वैल्यूज आर गुड, these values usually work, yani you can safely set these values as hyperparameters. Agar thoda sa experiment karna hai, cross validation karni, kar sakte hain, par usually these are safe values. Theek hai, algorithm ka jo adaptive nature hai na asal mein, uska fayda ho gaya, yani it's true ki hyperparameters zyada ho gaye, par jo adaptive nature aa gaya algorithm ka ki main एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से डिवाइड करी जा रहा हूं, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कभी भी खुद यूज नहीं करता, फर्स्ट डेरिवेटिव की भी रनिंग एवरेज यूज करता हूं, यानी मैं ट्रेंड देख रहा हूं, यानी ये सारे ट्रेंड बेस्ड एल्गोरिथम। आप ट्रेंड देख रहे हैं कि मेरे डेरिवेटिव्स का ट्रेंड कैसा था, उनकी उसकी बेस पे आप फैसले कर रहे हैं। तो दैट यूजुअली आउटवेज जो बेनिफिट है इसका ट्रेंड को देखने का, दैट बेनिफिट आउटवेज द डिसएडवांटेज ऑफ यू नो हैविंग फोर हाइपर पैरामीटर्स, क्योंकि वैल्यूज जी जो पहले लर्निंग रेट के जो इस्तेमाल करते हैं वही उसकी जरूरत नहीं रहेगी। नहीं है, अभी भी है लर्निंग रेट, अभी भी है ईटा नहीं नहीं डिके जो वो मैकेनिज्म यूज करते हैं लर्निंग के करते रहते हैं इटरेशन के बाद आगे इटरेशन। हां वो जो डिके वाला काम है वो ये वी हैंडल कर रहा है उसको, अडॉप्टिव हो गया। लेकिन उमर आप मुझे बता सकते हैं ये वी कैसे उसको हैंडल कर रहा है डिके वाले काम को? सर ये रनिंग एवरेज ले रहा है पिछले वाले जो स्टेप हमने दिए हैं उसकी पिछले वाले स्टेप की बेस पे अगला स्टेप ले रहा है। ये इधर से पता लगता था कि ये जो रनिंग एवरेज थी वी, ये बड़ी होती थी फ्लैट रीजन्स के लिए। ग्रेडियंट्स के साइज की जो रनिंग एवरेज है वो बड़ी होगी फ्लैट रीजन्स के लिए, और उस बड़े नंबर से जब आप डिवाइड कर देंगे तो स्टेप साइज छोटा हो जाएगा। ओ वेट, मैंने उल्टा कहा है।
फर्स्ट डेरिवेटिव्स की रनिंग एवरेज छोटी होगी फ्लैट रीजन्स के लिए, और ये छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो स्टेप बड़ा हो जाएगा। तो इसमें वो कहता है कि इधर अगर आप जा रहे हैं तो कर लें, बड़े कर लें स्टेप, और इधर जो है वो रनिंग एवरेज बड़ी होगी और ईटा रेसिप्रोकल जो है वो छोटा होगा, तो इधर आप उसे कहते हैं कि स्टेप से छोटे कर लें, बड़े ना करें। यानी इट जस्ट इट्स अडैप्टिव, यानी वो जो आप डिके करते थे ना कि आहिस्ता आहिस्ता छोटा करता जाए इसको, लेट्स से यू आर डिके, क्या ऐसे ऐसे जैसे इटरेशन बढ़ती जा रही छोटे करते जाए, वो कहते हैं नहीं ऐसा ना करें, अगर छोटा करने की जरूरत है तो छोटा करें, और अगर छोटा करने की जरूरत नहीं है, बड़ा करने की जरूरत है तो बड़ा करें स्टेप साइज। ये तो कहते हैं हमेशा ही छोटा कर दो बस, अडेप्टिव नहीं है। ठीक है उमर, इज इट क्लियर? ओके क्लियर। ओके एनी अदर क्वेश्चंस? ओके ओके थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। आपके पास एक रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का पता है सब लोगों को? जरूरी नहीं है रैंडम वेरिएबल का पता हो सबको। जी सर। क्या होता है रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल जो हर आइट्रेशन या हर एक्सपेरिमेंट में जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए उसे तो वेरिएबल कहते हैं। सर इसमें ये पढ़ा था हमने, प्रोबेबिलिटी में ये देखा है कि कोई ऐसी वैल्यू या क्वांटिटी जिसकी हर दफा हर एक्सपेरिमेंट में हर आइट्रेशन में वैल्यू जो है वो प्रेडिक्टेबल ना हो, चेंज हो जाए। डिटर्मिनिस्टिक ना हो ये कहने। फॉर एग्जाम्पल डे ऑफ द वीक ये वेरिएबल है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे, सो ये वेरिएबल है पर ये रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये डिटर्मिनिस्टिक है। संडे के बाद मंडे आना है, मंडे के बाद ट्यूजडे आना है, सो ठीक है। लेकिन अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस में भी आना क्या, हेड या टेल, ये वेरिएबल है लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, तो ये या डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, तो इसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स की जो एवरेज है, जिसको आप एवरेज को आप कहते थे, रैंडम वेरिएबल की एवरेज के और क्या क्या नाम आपने देखे होंगे? इसको आप एवरेज कहते हैं, इसके और क्या नाम है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू है ना दोनों। ये एवरेज के ही, या एवरेज यानी असल कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू का है, उसके ये सब इंस्टेंसेस है मीन और एवरेज। ये जिसको आप एक्सपेक्टेशन कहते हैं ई ऑफ एक्स, स्टेटिस्टिकली इसका नाम है फर्स्ट स्टेटिस्टिकल मोमेंट। ठीक है, क्यों है कैसे है उसमें ना जाए, बस ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसी भी रैंडम वेरिएबल की जो एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसे फर्स्ट स्टेटिस्टिकल मोमेंट कहते हैं। किसी भी रैंडम वेरिएबल को अगर आप स्क्वेयर कर दें, यानी उसकी हर वैल्यू को स्क्वेयर कर दें और अब एवरेज निकालें, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें स्क्वेयर करने के बाद, इसको कहते हैं सेकेंड स्टेटिस्टिकल मोमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटिस्टिकल मोमेंट। लेकिन अगर आप, और इस वाले को अनसेंटर्ड कहते हैं, अगर आपने सेकेंड मोमेंट, एक्चुअल सेकेंड मोमेंट निकालना है तो वो सेंटर्ड हो, सेंटर्ड का मतलब है कि आप एवरेज को पहले माइनस कर दें, बाय एवरेज आई एक्चुअली मीन ई ऑफ एक्स, फर्स्ट स्टेटिस्टिकल मोमेंट। ठीक है, यानी अगर आप रैंडम वेरिएबल के अंदर से उसकी एवरेज वैल्यू माइनस कर दें
तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली ओरिजिन पे चला जाता है। किसी भी सेट ऑफ नंबर्स में से अगर आप उनकी एवरेज माइनस कर दें तो जो नए नंबर्स निकलते हैं इनकी एवरेज जीरो होती है। ठीक है, यानी मैं इसको विजुअली अगर आप इधर से देख लें कि कुछ नंबर्स यहां पे पड़े थे, ठीक है, कुछ नंबर्स थे यहां पे पड़े थे और ये ओरिजिन था। अगर मैं इन सारे नंबर्स की एवरेज, ये प्लस साइन है, अगर ये एवरेज सारों में से माइनस कर दूं ना तो ये नंबर्स अब यहां पड़े होंगे जीरो के इर्द गिर्द, ऑरिजिन पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी मैंने सेंटर कर दिया इनको। ठीक है, तो एवरेज माइनस करना, सो अगर मैं सिर्फ स्क्वेयर वैल्यूज की एवरेज लेता हूं तो ये अनसेंटर्ड सेकंड मोमेंट है। अगर मैं पहले सेंटर कर देता हूं उनको, यानी एवरेज वैल्यू माइनस कर देता हूं और फिर स्क्वेयर करता हूं, तो इसे सेकंड स्टेटिस्टिकल मोमेंट कहते हैं। इसी को वेरियंस भी कहते हैं, आपने स्टैट्स में वेरियंस का फॉर्मूला यही पढ़ा होगा। ओके, आगे चलते हैं। एडम जो मेथड है, नोटिस के मतलब जब प्रैक्टिकली आप इसको इंप्लीमेंट जब करेंगे तो होगा क्या, आप रनिंग एवरेजेस कंप्यूट करते थे दो चीजों की। एक रनिंग एवरेज कंप्यूट हो रही थी स्क्वेयर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव की, ट्रू, ये इसी की रनिंग एवरेज थी ना। एनीवन? यस ये तो क्लास खत्म करने के बहाने आप यस सर कह रहे हैं। एनीवेज, सो ये इसकी रनिंग एवरेज थी और ये एम एम किसकी रनिंग एवरेज थी जिन्होंने यस सर। सर हाँ बताएं उमर। ये सर रनिंग मोमेंटम के बेस पे हो रही है। नहीं, किस चीज की रनिंग एवरेज थी है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, रनिंग एब्सोल्यूट एवरेज। फर्स्ट डेरिवेटिव रनिंग एवरेज नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव बस। यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव की बेस पे इनकी रनिंग एवरेज थी एम हैट, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर की रनिंग एवरेज थी। वेल, हम तो इसको क्या कहना चाहिए फिर, ये फर्स्ट मोमेंट नहीं है ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये जिसको वी हैट कहते थे, बल्कि इनको कहना चाहिए इनको, वो तो इनिशियल वैल्यूज हैं, ये जो है ये फर्स्ट मोमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव की रनिंग एवरेज है। और ये जो है दूसरे वाला, ये सेकंड है लेकिन अनसेंटर्ड है, क्योंकि ये सिंपली स्क्वेयर्ड वैल्यूज की रनिंग एवरेज है, इनमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस नहीं की हुई। तो ये सेकंड अनसेंटर्ड मोमेंट है। ये जो आपकी रनिंग एवरेज कंप्यूट हो रही है, इसमें नोटिस कि आपने इनिशियलाइज किस पे किया था। शुरू में आपने रनिंग एवरेज की जो वैल्यू वो जीरो सेट की थी, दोनों रनिंग एवरेजेस की वैल्यू शुरू में आपने जीरो सेट की थी, विच मींस कि ये वैल्यू शुरू में जीरो है, ये वैल्यू शुरू में जीरो है। फाइन, और ये भी नोट करें कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, और ये भी नोट करें कि गैमा की वैल्यू क्या है। जो प्रपोज्ड वैल्यूज हैं, डेल्टा की वैल्यू 0.9 है यानी 1 के पास, गैमा की वैल्यू 0.9 है ना, 0.999 है यानी 1 के, दोनों 1 के पास है।
ये भी वन के पास है वैल्यू, ये भी वन के पास है वैल्यू, और ये जीरो है और ये जीरो है, विच मीन्स ये वैल्यूज किसके पास है उमर, ये वैल्यूज किसके पास है उमर, मोहसिन, अली, एनीवन, महा, आप भी हैं शायद, जीरो के करीब होंगे ये वैल्यूज, फिर जीरो के करीब है, विच मीन्स के शुरू शुरू में जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसने जीरो के करीब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी ये टर्म जीरो के पास चली जाएगी। डोमिनेट फिर कौन सी टर्म कर रही है, पहली टर्म ये वाली रनिंग एवरी नहीं, डोमिनेट ये टर्म कर रही फर्स्ट टर्म, हाँ जो अगर आप उसको रनिंग एवरी यानी उसका पिछला एस्टिमेट, पर शुरू में ये जीरो है, यानी फिर डोमिनेट कौन कर रहा है, जीरो डोमिनेट कर रहा है, इस केस में भी इसकी वैल्यू जीरो है और ये वन, तो शुरू की इटरेशंस में ये जीरो डोमिनेट कर रहा है, विच मींस के ये दोनों जो रनिंग एवरेजेस हैं शुरू की इटरेशंस में ये क्लोज टू जीरो रहेंगी, शुरू की इटरेशंस में ये क्लोज टू जीरो रहेंगी, और ये इसलिए क्लोज टू जीरो रह रही है, सिर्फ इसलिए क्लोज टू जीरो रह रही है बिकॉज इनको इनिशियलाइज जीरो किया गया था। Because of initialization. अगर मैंने initialization zero पे ना की होती तो ये, अगर initialization minus 10 पे की होती तो ये minus 10 के पास रह रही होती iterations. इसका मतलब है कि एक bias है, एक zero bias है इस सारी scheme में, because of initialization इस सारी scheme में एक zero bias है, they are biased towards zero. ठीक है, ये आपका फर्स्ट मोमेंट, ये सेकंड मोमेंट अनसेंटर्ड, ये जीरो की तरफ बायस्ड होंगे, इस बायस को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस बायस को करेक्ट करने के लिए आप ये जो भी वैल्यू निकली थी ना, यानी आप ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसे चलाएं, ठीक है, ये इक्वेशन ऐसे चलाएं, ये वैल्यू आने दें, ये दूसरी वाली भी ऐसे आने दे वैल्यू, भले ये जीरो की तरफ बायस्ड है, होने दे, बाद में करेक्शन करते हैं, यानी जो भी वैल्यू आई थी उसको वन माइनस डेल्टा टू द पावर टाउ है यहां पे, यानी इधर इज नॉट एट टाइम टाउ, ये थोड़ा सा अब्यूज ऑफ नोटेशन है एक्चुअली, ये एक्चुअल पावर है, लैम्डा कोई नंबर था, उसकी एक्चुअल पावर ली है एट टाइम टाउ, यानी ये लैम्डा डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा इस तरह हुआ हुआ है, कितनी दफा जितने आपके टाइम स्टेप्स हो गए हैं, ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही है गामा के लिए, तो ये एक्चुअल पावर ली हुई है, जो भी वैल्यू आई थी उसको वन माइनस डेल्टा टू द पावर टाउ से डिवाइड करते हैं, ये मैं आप लोगों में छोड़ देता हूं कि इस तरह की डिविजन से फर्क क्या पड़ेगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, फर्क यानी वो क्यों वो फर्क पड़ेगा ये आप लोगों ने देखना है, पर मेरे ख्याल में फर्क ये पड़ेगा कि ये वैल्यूज जो जीरो की तरफ बायस थी अब जीरो से दूर होने लग जाएंगी करेक्शन के बाद, करेक्शन के बाद वो जीरो से इंक्रीज होने लग जाएंगी, तो ये तो बस कुछ यानी ये मेन आइडिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी एल्गोरिदम की, ये दो जो बुलेट्स हैं ये वो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हल कर रही हैं, क्योंकि आप जब एल्गोरिदम देखेंगे तो आपको किसी के ब्लॉग पे या किसी वेबसाइट पे या एक्चुअल पेपर के अंदर आपको ये बहुत सारी इक्वेशन नजर आएंगी, तो यू कैन स्किप दीज थिंग्स, दे आर वो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, असल आइडिया बस ये था, असल आइडिया ये था कि एडम जो एल्गोरिथम है वो आरएमएस प्रॉप के अडैप्टिव स्टेप साइज को और मोमेंटम के फर्स्ट डेरिवेटिव की रनिंग एवरेज को
यानी मोमेंटम, इन दोनों को कंबाइन कर देता है, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग जो मशहूर जो पॉपुलर डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनके अंदर एडम की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद होती है। एंड यूजुअली यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई कि जी ये मेरा लॉस फंक्शन है और इसकी ऑप्टिमाइजेशन ग्रेडियंट डिसेंट से नहीं होगी, इससे नहीं होगी, उससे नहीं होगी, एडम से होगी। यू कैन चूज दीज एल्गोरिथम्स, एडम, आरएमएस प्रॉप, मोमेंटम, नेस्टरोव, ग्रेडियंट डिसेंट, व्हाटएवर। तो यू शुड चूज एडम, इट वर्क्स द बेस्ट। सो कंक्लूडिंग दिस होल लेक्चर ऑन वेरिएशंस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, हमने ये देखा है कि ऐसे लॉस फंक्शंस जो कॉम्प्लेक्स हैं या नॉन कॉन्वेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नॉन कॉन्वेक्स लॉस फंक्शंस जो कि डीप नेटवर्क्स में दे आर कॉमन, डीप नेटवर्क्स में या एक आम न्यूरल छोटे से न्यूरल नेटवर्क में भी लॉस फंक्शन ऐसे होंगे, इन लॉस फंक्शंस में वनीला ग्रेडियंट डिसेंट यानी बिल्कुल सादा कॉमन ग्रेडियंट डिसेंट, W न्यू इक्वल्स W ओल्ड माइनस स्टेप साइज इनटू ग्रेडियंट, दिस डज नॉट वर्क, ठीक है। ये लोकल मिनिम पुअर लोकल मिनिमम में फंस जाता है, ये सैडल पॉइंट्स में फंस जाता है, और इस फंसने की वजह से ये बहुत ही स्लोली कन्वर्ज करता है या फिर नहीं भी करता, फंसा जाता है। और फिर हमने देखा कि इस इन 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 मसलों की एक सलूशन ये है कि जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं उनके हर एक का अपना स्टेप साइज होना चाहिए, और वो स्टेप साइजेस अडेप्टिव होने चाहिए, और जो सबसे ज्यादा यूजफुल टेक्निक्स हैं करंटली वो ये है कि वो अडेप्टिव भी करती हैं और वो ट्रेंड देखती हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का, यानी ये मोमेंटम वाले जो मेथड्स हैं वो ट्रेंड देखते हैं, रनिंग एवरेजेस देखते हैं। सो अडेप्ट करें, लेकिन अडेप्ट करें रनिंग एवरेजेस को देख के, विच इज द एडम एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, कोई सो दैट कंक्लूड्स माय लेक्चर। कोई कोई सवाल आप लोगों के?